कई बेमिसाल यादों से सजी ये दिल्ली, इतिहास के आईने से झांकती ये दिल्ली, मीर और गालिब का शहर ये दिल्ली। और इसी शहर में है शादीपुर, जहां बसी है कठपुतली कॉलोनी, जिससे ज्यादातर दिल्ली वासी वाकिफ नहीं। क्या आपने कभी कठपुतली का खेल देखा है? हाँ देखा है। हाँ 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 देखा है। हाँ कई बार देखा है। क्या आपने कठपुतली कॉलोनी के बारे में सुना है? किसके बारे में? नहीं, कॉलोनी के बारे में तो कभी नहीं सुना। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं उसके बारे में पता नहीं। मुझे नहीं पता दिल्ली। समय बदला, हालात बदले, बदल गया बहुत कुछ, पर ना जो बदला और ना इन्हें बदल सका वो है इनकी झुग्गियाँ, दो रोटी की लड़ाई, गंदा माहौल, बच्चों की परवरिश की चिंता और घर खर्चे का बोझ। पर अपनी कला से प्रेम करने वाले ये कठपुतली कलाकार आज भी अपनी कला से वैसी ही दीवानगी रखते हैं जैसे मोहब्बत सी हो गई है तुझसे, तुझे छोड़कर अब जाएं कहाँ। कठपुतली का खेल दिखाते, कठपुतली का नाच नचाते, अपनी उंगलियों पे थिरकाते, बेजान सी कठपुतलियों में भी जान डाल देते हैं ये कलाकार। यहाँ बरसों से लोग अपनी कला को प्रदर्शित करते आ रहे हैं। मेरा नाम राजकुमार भाट है और मैं ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हूँ और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, डीडवाना के साथ गांव कोलिया है नागौर जिला में, और मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ है। राजस्थान से हमारे दादा परदादा कठपुतलियों का खेल दिखाते अब मतलब कमाते खाते, कमाना और शो करना, कमाना शो करना, इस तरह ही दिल्ली आते थे। दिल्ली में फिर डेरा लगाते थे, ये जैसे भोगल, नजामुद्दीन है, अजमेरी गेट है, यहाँ खुला मैदान होता था उस जमाने में। राजा महाराजाओं की कहानियों को खेल के रूप में दिखाकर अपने पीछे एक लंबा इतिहास लिए ये काफ़ी आगे बढ़ आए हैं। ये बादशाह जफर थे, दिल्ली के बादशाह, और हमारे नागौर राजस्थान के राजा थे अमर सिंह राठौड़। तो राजा अमर सिंह राठौड़ की कहानी कठपुतली के माध्यम से बनाई थी हमारे दादा परदादा, कोई सब परदादा, काफ़ी पीढ़ियाँ हो गई हज़ारों साल पहले। तो आकड़े की जो लकड़ियाँ होती थी उस पर चाकू से खड्डा खोद कर तो राजा महाराजा बनाते थे। ये अमर सिंह राठौड़ ये बादशाह है, ये शेख सलावत खान है, ऐसा बनाकर राजा महाराजा के दरबार पर गाँव में उस कठपुतलियों को शो करते थे। इनकी इसी कलाकारी ने इन्हें विदेशों तक पहुँचाया है, जहाँ इनकी कला को पहचान लोग इनकी तारीफ करते हैं। ऐसा कि कठपुतली कला हमने इंडिया से बाहर भी काफ़ी जगह परफॉर्म दिखाया है, अमेरिका, जापान, जर्मन, फ्रांस, आयरलैंड, इसराइल, काफ़ी कंट्री में 15-20 कंट्री में दिखा चुका हूँ। क्यों हमारी कला, भारत की तो कला है ही कठपुतली, लेकिन बाहर जो विदेश में दिखाते हैं तो वो कला वहाँ है नहीं, तो ज़्यादा लोग देखने के लिए वहाँ से हमें ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है और ज़्यादा शो करवाने की कोशिश वो लोग करते हैं। क्यों कठपुतली वहाँ का कल्चरल नहीं है, और ये जो हमने जो कठपुतली बनाई वो हमारा राजस्थान इंडिया का कल्चरल है, तो उनके लिए एक नया आइटम आ जा होता है उन लोगों के लिए, तो बहुत लाइक करते हैं वो लोग। इतने नाजुक हालात में भी इनके विश्वास और इनकी मेहनत ने विलुप्त होते सांस्कृतिक धरोहर को एक नई पहचान दी है और इन्हें एक पैसे से हजारों के सफर तक पहुँचाया है। ओ तू मिली आते में।
पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। ऐसा परेशानियां तो हम लोगों को है, पहले तो हमारे घर ही पक्के नहीं है, बारिश जब आती है तो ऊपर पानी नीचे हम बच्चे और हम सारी फैमिली सारे लोग परेशान होते हैं। अगर सारी रात बरस गई ना बारिश, सारी रात आएगी तो ढंग से सो नहीं, क्या हम बैठ नहीं सकते, हम गीले कपड़े हमारे सर ठंड में बैठे रहते हैं बारिश के भिजे हुए। ऐसा तो हमारे लोगों का हाल है। और दूसरा क्या है कि पानी समय टाइम पर नहीं आता। अपनी अधूरी सी जिंदगी में, कल की सोच में, आने वाले कल के लिए रोटी की मशक्कत में परंपराओं को आगे बढ़ाने की भी चिंता है। कल तक कठपुतलियों को नचाने वाले ये कलाकार आज खुद वक्त की डोर से नाचने को मजबूर हैं। घर चलाना बहुत मुश्किल है इसी महंगाई के दौरान, जिस तरह महंगाई है। और हमारी कोई सरकारी नौकरी या कोई प्राइवेट नौकरी तो है नहीं, हमारा तो रोज़ का कमाना रोज़ का खाना है। अगर कहीं जन्मदिन पार्टी मिल गई, महीने में दो शो या तीन शो मिल जाते हैं तो घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। अगर सरकार हमें शो भी देती है, प्रोग्राम भी देती है, तो उससे कला ख़त्म नहीं होगी। कठपुतली के माध्यम से ड्रॉप का और एड्स का, परिवार कल्याण, नशाबंदी का भी हमें अगर काम देना चाहें तो कठपुतली के माध्यम से हम गांव-गांव में अच्छे ढंग से प्रचार भी कर सकते हैं और लोगों को समझा सकते भी हैं। कठपुतली का शो ऐसा है, अभी तक भी गाँव में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर ढोलक हारमोनियम लेकर जाते हैं गांव में तो कौन आ गया, कठपुतली वाला आ गया, तो पूरा गांव और खेतों से लोग भक्के आ जाते हैं। करे कठपुतली का शो दिखाओ, उससे पब्लिक सिटी भी बहुत अच्छी हो सकती है। अपनी कला को बचाए रखने की चाहत तो है पर जुनून नहीं, और ये सही भी है क्योंकि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। सरकार की तरफ से ना इन्हें कोई मदद मिली है और ना ही किसी तरह का प्रोत्साहन, और ये शहर इनकी कला के लिए उदासीन सा हो गया है। ऐसी बाधाओं ने इन्हें तोड़ के रख दिया है। ये चाहते तो हैं कि इनकी नई पीढ़ी विरासत की बागडोर को संभाले, पर रोजी रोटी की इस लड़ाई में उनके कदम कहीं और जाने को मजबूर है। मैं तो ये चाहता हूँ कि कठपुतली कला ख़त्म ना हो, मेरे आने वाली पीढ़ी भी इस कला को जीवंत रखे। मैं तो सिखाने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन बच्चे कहते हैं पापा आपने क्या किया अभी तक, आप ही तो वहीं हो जहाँ हो अभी। मेरा नाम है अनिल भट्ट, इधर का नाम है राजकुमार भट्ट, पर हमारी पीढ़ी से पॉपेट शो की जो भी कला हमारी पीढ़ी से चलती आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी है, कोई हमारे पास कोई ऐसी सहायता नहीं है जो हम छोटी मोटी कुछ हम बन सके, जैसे पहले थे वैसे अब है। इनके हाथों में अब कठपुतलियों की डोर की थिरकन नहीं बल्कि ढोल की थाप सुनाई देती। ये जो हमारी कठपुतली की कला है ये हम भूलना नहीं चाहते, लेकिन आजकल के लोग जो पसंद ही नहीं करते, तो आजकल मजबूरी में हमें ढोल का काम करना पड़ता है, क्योंकि शादी पार्टियों में ये भी 4 महीने चलता है सीजन, और इस 4 महीने में ढोल में इसी में लगे रहते, क्योंकि जो हमारा काम है ही नहीं ढोल का, हमारा काम हमारी पीढ़ियों का काम ही है कि पॉपेट शो का, लेकिन हम ढोल बजा रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। उसमें ज़्यादा पहले जैसी बात नहीं रहती थी, पहले पॉपेट शो में इतने कमाते थे कि परिवार पूरा चल जाता था, आज के टाइम पे बिल्कुल नहीं है। कला के जुनूनी कलाकार अपनी भूख के लिए दूसरों की खुशियों में ढोल बजाने लगे हैं। वाकई कहीं समय और हालात के चलते अपनी संघर्ष भरी दास्तान से हार कर विरासत में मिली अपनी बरसों की परंपरा को भूल, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भूल, किसी और पेशे को न अपना लें ये कठपुतली कलाकार। Okay.